ये तुम्हारी गड्ढे कहाँ है? सिर में, सिर में अंदर है, ट्यूमर है। तुम्हें क्या होता है इन गांठों से? कितना दवाई लेना छोड़ दी। खुदावंद इसी वक्त तेरी जीवन शक्ति काम करे, इसकी जितनी गांठे हैं सिर के अंदर ट्यूमर्स तेरी सामर्थ से जाए, राइट नाउ अब भी जाए, शट आउट। और ये सिस्टर बताती हैं कि इनके जीवन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी काम करती थी, जिसके कारण इन्होंने बताया कि इनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दर्द था, बहुत ही ज्यादा परेशानियां थी। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि 10 साल पहले आपके सर में किस प्रकार का दर्द था? माइग्रेन से स्टार्टिंग हुई थी मेरे सर में। 4-5 साल मैंने इसकी दवाई ली और जैसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कलिसिया आप इनके जीवन को ध्यान दें तो बहुत ही ज्यादा खराब जीवन हो गया था। ये अपनी हेल्थ के कारण तो पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन जो डेविल स्पिरिट्स ने इनके साथ किया वो और भी ज्यादा भयंकर था। इस सिस्टर का नाम रमनदीप कौर है और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि इनके जीवन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी काम करती थी, जिसके कारण इन्होंने बताया कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ थी, लेकिन जब प्रभु में आए ये तो परमेश्वर इनकी सब परेशानियों का हल किया। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनको क्या क्या परेशानियाँ हुई थी। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि 10 साल पहले आपके सर में किस प्रकार का दर्द था? सिस्टर मेरे को जय मसीदी पापा जी, जय मसीदी मामा जी, जय मसीदी सारी इकलीसिया। सिस्टर एक माइग्रेन से स्टार्टिंग हुई थी मेरे सर में और 4-5 साल मैंने इसकी दवाई ली और जैसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था और मेडिसिन से इसमें मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने इसे स्पेशलिस्ट को दिखाया और मेरा फर्स्ट सिटी स्कैन हुआ जिसमें क्लियर हुआ कि मेरे को ट्यूमर है। और इसके बाद मैंने उनसे बहुत ट्रीटमेंट लिया बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। कहाँ पर? आपके सर में दिमाग में ट्यूमर था और यानी कि ट्यूमर की कैसे गांठें बन गई हुई थी? हाँ जी सिस्टर, कितनी गांठें थी? 5 गांठें थी ट्यूमर की। ट्यूमर की 5 गांठें आपके सिर में बन गई थी? हाँ जी। जिसके कारण वो लगातार दर्द आपके सर में रहता था? हाँ जी। इसका डॉक्टर ने आपको क्या बताया, ट्रीटमेंट क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह देते रहते थे, खाती रहती थी और आराम मिलता रहता था। और जब ये स्टार्ट होता था तो ये जैसे कि शाम को स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट डे शाम को ही ये ख़त्म होता था। इसमें मेडिसिन कोई भी काम नहीं करती थी, इसकी एक टाइमिंग थी कि यानी 24 घंटे तक आपको दर्द वो सहना ही पड़ता था। हाँ जी। आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवाते थे वो दर्द नहीं जाता था। फिर आपने बताया कि इसके लिए आपने अलग अलग जैसे बिलासपुर, मुरादाबाद, दुद्रपुर, बहुत ऐसे अलग अलग जगह पर कई स्पेशलिस्ट से आपने अपना इलाज करवाया और उस इलाज के दौरान भी ये गांठें खत्म नहीं हो रही थी बल्कि ये दर्द भयंकर होता जा रहा था। हाँ जी, ये बढ़ता ही जा रहा था। मैंने न्यूरोसर्जन को दिखाया, उन्होंने ये कंफर्म किया कि आपकी गांठें हैं ये, बट मेरे को मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। जैसे कि बताया कि आपने वो जो आपको मेडिसिन देते थे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी कि आपकी बॉडी इफेक्ट होती थी, आप बताएं कि किस प्रकार से आपकी बॉडी इफेक्ट हुई उन मेडिसिन से जो आपको लगातार 8 साल खानी पड़ी? मेरा इसे वेट गेन होता जा रहा था। हाँ जी, यानी कि ये दवाइयाँ इतने इफेक्ट कर रही थी, आपका शरीर इतना भारी नहीं था, उन मेडिसिन के कारण आपकी बॉडी हैवी होती गई, वेट बढ़ता जा रहा था और इसी कारण फिर आपने क्या किया? मैंने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे रिलीफ तो कुछ मिल नहीं रहा है बट आपकी मेडिसिन से मेरा वेट गेन होता जा रहा है, तो मैंने डॉक्टर को ये सब बोल के ट्रीटमेंट बंद कर दिया था खुद से। यानी कि उस मोटापे से भी, ओबेसिटी से आप इतनी परेशान हो गई थी कि आपने कलप कर, थक कर उस दवाई को भी बंद कर दिया, लेकिन आप लगातार उस दर्द को सह रही थी? हाँ जी, मैं बिल्कुल दर्द में ही थी बट मैं वेट के कारण दवाई खाना बंद कर दिया था मैंने। इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि आपके घर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कि 4 साल पहले आपके घर में एक ब्लैक मैजिक हो गया था। उस ब्लैक मैजिक से सिस्टर आपके घर में क्या प्रभाव हुआ, क्या होता था आपके घर में?
सिस्टर बहुत ही ज़्यादा हो चुका था कि घर में ईंटें पत्थर वगैरह दिन दोपहर में ही गिरती थीं और मुझ पे बहुत ज़्यादा उसका असर था। मेरे साथ व्यभिचार होना, गंदी चीज़ें करना, और जैसे कि मैं किचन में जाती तो वहाँ बर्तन हिलना, घर में अजीब सा साउंड सुनाई देना, ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। और आपने बताया कि आपके साथ बहुत गलत होता था, आप बताएं कि आपने क्या क्या सहा है, क्या होता था आपको, दुष्ट आत्माएं क्या करती थी? बहुत मतलब गंदी चीज़ें मेरे साथ होती थी, व्यभिचार हुआ मेरे साथ, मतलब जैसे सोकर सुबह उठना तो बॉडी में बहुत पेन होना, उठा ही नहीं जाता था मुझसे कि ये सब हो क्या रहा है। तो ऐसे ही किसी से बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये उस चीज़ की वजह से हो रहा है आपके साथ। और आपने बताया कि डेविल स्पिरिट्स आपको चलती फिरती नजर आती थी, आपको लगता था आपके बिस्तर के नीचे कोई है, सोफे के नीचे कोई है, पर्दों के पीछे कोई चल रहा है, ऐसे आपको, आप लगातार डरे रहते थे, सभी अपने घर में, आपके पेरेंट्स, आप सभी डरे रहते थे? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली में ये दहशत थी, सब लोग वॉशरूम तक जाते तो एक बंदा बाहर रहता था उनको देखने के लिए कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए या उन पर अटैक ना कर दिया जाए। हाँ जी, किचन में भी मेरे को ऐसे जाना तो वहाँ बर्तन हिलते थे, ये सब बहुत चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। मतलब आपके घर में इतनी डरावनी चीज़ें होती थी, लगातार पत्थर गिरते रहते थे, बर्तन हिलते थे, परछाइयाँ नजर आती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कलिसिया, आप इनके जीवन को ध्यान दें तो बहुत ही ज़्यादा खराब जीवन हो गया था। ये अपनी हेल्थ के कारण तो पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन जो डेविल स्पिरिट से इनके साथ किया वो और भी ज़्यादा भयंकर था। लेकिन ये बताते हैं कि इनको 8 साल से प्रभु का पता था। सिस्टर, आप प्रभु को जानती थी कि प्रभु यीशु हैं, लेकिन आपको प्रभु में चलना नहीं आया, इसे आप प्रार्थना नहीं कर पाती थी, प्रार्थना करवानी भी नहीं आती थी आपको, सिर्फ आपको नाम पता था कि प्रभु यीशु हैं। और 8 साल से नाम पता था, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में, सच्चाई के बारे में आप कुछ नहीं जानती थी। तो बताते हैं कि उसके बाद इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का पता चला, और जब ये सिस्टर पहली बार सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए उस समय अपॉस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस सीन को देखते हैं। ये तुम्हारी गंडे कहाँ है? सिर में अंदर है, ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर बोलो ना, गांठ है ना बोलो। वैसे तो ट्यूमर को ही बोलते गांठ, लेकिन सिर के अंदर है। चलो वो खत्म हो रही है। तुम्हें क्या होता है इन गांठों से, क्या होता है? कितना बहुत ज्यादा अभी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। कितना बहुत हो रहा है अभी? डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है? नहीं, 3 सिटी स्कैन हुए हैं मेरे, बट मैंने दवाई नहीं ली, अब छोड़ दवाई लेना छोड़ दिया है। मैंने छोड़ दिया था। क्यों? जीसस पर। तब से, कब से जी जीसस में? मैं 8 साल से। 8 साल में? हां जी। अच्छा, हां जी। तो फिर खुदा तुम्हें छुएगा आज जी, बिल्कुल। आमीन। चल आंखें बंद कर। खुदा बंद, इसी वक्त तेरी जीवन शक्ति काम करे। इसकी जितनी गांठें हैं सिर के अंदर, ट्यूमर से तेरी सामर से जाए, राइट नाउ अब भी जाए, शट आउट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, शट आउट। 2 मिनट के बाद इसे चेक करना, अभी मेरे पास लाना इसे। तो जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम भी किया अपने दास के द्वारा, और बताते हैं कि उसी दिन से ही परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टोटली हील कर दिया है। सिस्टर, हमें बताएं कि उसके बाद आपको कभी सर में दर्द हुई, कुछ हुआ? नहीं सिस्टर, जैसे ही लेस हैंड हुआ उसके बाद से अब तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और जो डेविल स्पिरिट्स अटैक करती थी, मैं हर एक चीज से फ्री हो चुकी हूँ। तारीफ करेंगे इनकी बड़ी डिलीवरेंस के लिए। 8 साल के इस भयंकर सर के दर्द से और डेविल स्पिरिट्स के गंदे अटैक से परमेश्वर ने इनको टोटली शिफा दी है, बड़ी डिलीवरेंस दिया है। सब जन इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा इनको ये बड़ी डिलीवरेंस मिली। सब जन हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए।